दोस्तों नमस्कार, नए वीडियो में आपका स्वागत है। दमन में यदि हम आते हैं तो हमारे लिए रहने का एक बहुत ही शानदार ऑप्शन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पूरा वीडियो देखें, आपको पूरी जानकारी इस होटल की मिलने वाली है। अभी इस होटल की लॉबी में मैं घूम रहा हूँ और बहुत ही शानदार होटल है, तो आप आते हैं तो यहाँ ज़रूर आप रुक सकते हैं। वीडियो पूरा देखें, पूरी जानकारी आपको इस होटल की मिलने वाली है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और ये सामने हमारा बस स्टैंड है दमन का, और यहाँ से हम हमारे होटल को चलते हैं। तो ये आप देख लें, व्यू देख लें इधर को, ये आप देखें, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। हमें इधर नहीं जाना है, हमें इस साइड में बढ़ना है आगे। आप देखें इधर, ये इधर पेट्रोल पंप भी है और आगे ये रास्ता जा रहा है। हमें इधर आगे बढ़ना है, किधर से राइट में भी रास्ता निकल रहा है, लेकिन हमें राइट में नहीं जाके हमें सीधा निकलना है इस रोड पे, बीच की तरफ, पौनीच की तरफ। आइए आगे बढ़ते हैं। ये सामने से हम चल के आए हैं और यहाँ तक हम आ गए हैं। ये देख लीजिए आप जगह, और हमें आगे बढ़ना है थोड़ा सा। आइए आगे चलते हैं। ये सामने से हम चल के आए हैं, ये देखिए आप, और इस मार्केट के अंदर हम चलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और आगे का मैं नज़ारा दिखा देता हूँ। ये देखिए बड़ा सा एक मॉल मार्केट यहाँ पे बना हुआ है। आइए आगे चलते हैं। और ये यहाँ पूरा जो चौक है, ये पार्किंग, और ये टैक्सी स्टैंड है, मेन टैक्सी स्टैंड। और सामने ये चाइना मार्केट या दुबई मार्केट। और ये सामने हमारा होटल है, होटल मंगल, थर्ड फ्लोर पे है ये। सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे है। आइए चलते हैं अंदर और आपको मैं बात कराता हूँ, दिखाता हूँ रूम भी। और ये मेरा रूम है 203 नंबर, और ये रूम का पूरा व्यू आपको, काफ़ी बड़ा स्पेस है रूम, काफ़ी बड़ा है। कुर्सी है, कांच है, एक फोटो लगी हुई है, अच्छा बड़ा बेड है, इधर अलमारी है, एक स्टूल है जिसपे मैंने बैग रखा है, नीचे डस्टबिन भी है, और अटैच ये वॉशरूम है, काफ़ी बड़ा है ये भी। देखिए आप, गीजर लगा हुआ, पूरी सुविधाएं हैं जो एक अच्छे होटल में होनी चाहिए। और ये पर्दा वेंटिलेटर के लिए, और इधर भी एक खिड़की सामने भी, तो काफ़ी बड़ा और अच्छा रूम है। और सॉकेट देखें आप, यहाँ भी लगा हुआ है सॉकेट, और इधर आपके बेड के पास में भी सॉकेट लगा हुआ है, और यहाँ कांच के पास भी सॉकेट लगा है। इस तरह से ये पूरा रूम है। और ये होटल के रिसेप्शन से बाहर का व्यू, सामने चाइना मार्केट या दुबई मार्केट या फिर दमन म्यूनसिपल का मार्केट भी बोलते हैं इसे, अलग अलग नाम से। और नीचे ये मेन टैक्सी स्टैंड, देखो कबूतर कितने हैं यहाँ पे, ये मेन टैक्सी स्टैंड है यहाँ का। और ये रिसेप्शन है, रिसेप्शन देखे, एक अच्छी सी यहाँ पे पिक्चर लगी हुई है, और यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है। और ये रिसेप्शन हमारा, तो मैं भैया से मिला देता हूँ। अब अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रकाश कुमार कर है। ओके ओके, और आप यहाँ? मैं यहाँ का रूम संभालता हूँ। ओके ओके, मतलब सब कुछ संभालता हूँ। ये होटल मंगल है, होटल मंगल, होटल मंगल। ओके, इसमें 6 रूम है, होटल मंगल है ये। अभी इसमें देखो, ये कार्ड है इनका, कार्ड भी आप देख लें, तो ये नंबर भी है। जी जी, होटल मंगल है, तो इसमें 6 कमरे आपने बताए, 6 कमरे इसमें। एसी नॉन एसी क्या है? सब नॉन एसी है, सब नॉन एसी है। ओके, और क्या प्राइस में शुरू होता है और क्या प्राइस देते हैं? प्राइस टाइम के हिसाब से दिया जाता है, ऐसे 500 भी है, 600 भी है, 700 भी है। ओके, सीजन के हिसाब से 1000 भी होता है, सीजन के हिसाब से होता है, 500 से 1000 तक भी हो सकता है। यानी आप जिस सीजन में हम लोग आते हैं उस सीजन के हिसाब से हमें ये हमें जो है रेट मिलता है। बहुत ही बढ़िया है। बाकी और यहाँ मतलब नज़दीक, मतलब ये बीच के नज़दीक आपका होटल होगा? हाँ, बीच के नज़दीक, बिल्कुल नज़दीक। और टैक्सी स्टैंड भी पास में ही हो? टैक्सी स्टैंड पास में भी है, गाड़ी रखने के लिए पार्किंग, सरकारी पार्किंग है, बड़ा पार्किंग नीचे है। और दुबई मार्केट भी है, जो सबसे चाइना बाजार बोलते हैं वो। हाँ, दुबई मार्केट या चाइना मार्केट जो बिल्कुल पास में ही है। समुंदर बहुत पास में है, हाफ किलोमीटर भी नहीं है। बिल्कुल हाफ किलोमीटर भी नहीं है, सही कहा आपने, बीच बिल्कुल नज़दीक है।
और बहुत ही अच्छा एक होटल हो सकता है। यदि आप यहाँ आते हैं तो आप रुक सकते हैं, बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ का और बहुत ही शानदार होटल मेरे को लगा। रीजनेबल जो जो मतलब चीपेस्ट और रीजनेबल देखते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है। तो दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा, कैसा लगा अपना कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। और बहुत ही शानदार, क्योंकि मैं इसमें रुका हूँ तो बहुत ही शानदार होटल मेरे को लगा और रीजनेबल प्राइस में, इससे चीप यानी आपको दमन में तो नहीं मिलेगा ऐसा मुझे लगता है, बाकी आप खुद देख सकते हैं। तो अपना कमेंट ज़रूर करें, यदि आपको आना है तो यहाँ रुक सकते हैं और अपने दोस्तों को जो दमन आते हैं ज़रूर शेयर कर दें ये वीडियो। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगले वीडियो तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।